बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ इंटरव्यूज़ और मैं हूँ ज़ुहैब खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी बदलती हुई सूरत हाल और एक जो तसादम की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क है, सियासत जो है वो अब तसादम की तरफ जा रही है। एक तरफ अपोजिशन जो है वो जलसा करने जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कमर कस ली है, वो भी तैयार है अदम-ए-एतमाद से निपटने के लिए भी और जलसा करने के लिए भी। कल रात गए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं पीडीएम के सरबरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम जो है लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा उन्होंने शेड्यूल इसको चेंज किया कि जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके एहतराम में वज़राए खारजा जो आ रहे हैं उनके एहतराम में उन्होंने थोड़ा सा स्केजुअल में चेंजिंग की है। तो अदम एतमाद के हवाले से जो एक सूरत हाल है उस पर कल रात स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के जो बड़े अहम तरीन रहनमा हैं परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी चैनल को और उन्होंने बड़े अहम इंकशाफ किए। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा से ही इतादियों के साथ भी उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा, और जो है उन्होंने कहा कि नैब को कहा गया कि आप मोनिस इलाही को गिरफ़्तार कर लें और ये सारी सूरत हाल थी। और परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ ये किया कि अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद से ज़्यादा नंबर हैं तरीके अदम एतमाद के लिए। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हम आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब असजद नवाज़ बड़ाई सीनियर तजयनकार मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया असजद साहब आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, परवेज़ इलाही साहब का तो इंटरव्यू आपने रात को देख लिया होगा, तो आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? सिचुएशन जो हर लम्हे बदलती है, इस पर आपका क्या टेक है? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब, आपने प्रोग्राम में मदु किया। हमारे हमागीर और हमा जहत एक शायर हैं, पंजाबी भी उर्दू शायर भी रहे हैं जी, ना मुनीर नियाज़ी साहब। फरमाते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, हर काम करने। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता। और मेरे ख्याल में प्रवेल साहब ने भी यही कहा कि शगाफ अब पढ़ भी चुका है, गहरा भी हो चुका है, और इमरान खान साहब ने देर कर दी। देखे जी, वज़ादारी की सियासत में, मफामत की सियासत में, ताबेदारी की सियासत में, और जो सियासत के असरार और रमूज हैं उनको बेहतर अंदाज से समझना और अप्लाई करने के हवाले से जो चौधरी बरादरान हैं उनका मेरे ख्याल में कोई सानी नहीं है। और चौधरी बरादरान को जिस तरह 3 साल तक चलाया गया, यानी साथ रगड़ा दिया गया, या उनको अच्छे तरीके से एक साथ जिस तरह के इतिहादी होते हैं इतिहादी वाला सलूक तो नहीं किया गया उनके साथ। देख, अब मोनस अलाई को देख लें कि अगर वजारत उनका हक था, ज़ाहिर वो इतिहादी थे, अगर वो डिमांड करते हैं तो एक सियासतदान जो है वो इसीलिए डिमांड करता है कि हम हुकूमत के इतिहादी हैं तो हम वजीर भी बने, हम तरक्याती फंड जो हैं उनका इजरा भी मुमकिन बनाएं और उसको अप्लाई भी करें अपने हलके के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, फलाह के लिए, जो कि हमारा एक सियासत की रीत भी है, रवायत भी है, होना भी चाहिए, ऐसे भी होता है। तो बहरहाल उस हवाले से भी उनको किसी न किसी हवाले से तहफात थे। वो फिर मेरे ख्याल में जो उन्होंने एक बात कही ना कि इमरान खान को समझने में देर लग गई, इमरान खान जो है वो नैब के जरिए इंतकामी सियासत को रवा रखते रहे, एक रवश को बनाते रहे। और फिर एक प्रवेल साहब ने बड़ी काबिल कदर बात की है, उन्होंने कहा कि क्रिकेट और सियासत में फ़र्क क्या है। ठीक है जी, क्रिकेट देखें, खिलाड़ी होना, छक्का लगा लेना, यॉर्कर कर देना, क्रिकेट खेलना और बात है, लेकिन अब अपोजिशन के लत्ते लेते रहना और अपोजिशन के कैंप में ही जो इतिहादी है उनको भी समझना कि ये भी हमारे कैंप में है, अब ये नालायकी कह लें, ना समझी कह लें, जो मर्जी इसका नाम रख लें, इतिहादियों के साथ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनको साथ डील भी ऑफर करने चले, डील तो फिर होती है आखिर, सियासतदानों ने आपस में या हुकूमतों ने या हुकूमती इतिहादियों के साथ डील नहीं होनी तो और क्या होना है। लेकिन उसके साथ देखें साथ शेर शी साहब जो हैं वो जी उनके खिलाफ बबांगे दुखल मीडिया में जो हैं जबान तराशी भी कर रहे थे, फिर बयानबाजी असद उमर साहब ने भी की कि चांद ज़िला की पार्टी है, चांद ज़िला की पार्टी है या एक ज़िला की पार्टी है या पूरे मुल्क की पार्टी है, बहरहाल पार्टी तो है। ठीक है, और साबका वज़ीर आज़म भी उधर से हैं, साबका वज़ीर आला भी उधर से हैं। ठीक है, और आज आप भी की भी अगर गवर्नमेंट खड़ी है तो उन्हीं के सहारे पर, उन्हीं के कंधों पर खड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर ना एक संगीन नोयत की गलती की है कि उनके इतिहादी नाराज़ हैं। और इसमें एक अहम बात सर ज़ुहैब साहब ये भी है कि जो अब देखें ना, ये एक किस्म की मज़हक़ा खेज बात है कि इमरान खान साहब या उनकी जो पार्टी के चंद सरकर्दा लीडर हैं
उनमें प्रोफेसर खट्टर साहब कह लें, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर या जो भी डील कर रहा था साथ, वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो है वो भी जी पीटीए में जम हो जाए और जी काफ लीग जो है वो भी जम हो जाए। यानी कि जब मोहन सलाई साहब उनसे मिले हैं तो उस वक्त उनको सामने ये प्रपोजल रखा गया, तो ये बड़े अचंभे की बात है। ऐसा कभी होता है? पहले तो आप इस काबल हों, पीटीआई की जो गुड गवर्नेंस है, पीटीआई की जो पार्टी है वो इस काबल हो। अगर इसमें से पीपल्स पार्टी के बंदे निकाल दें, मुस्लिम लीग नून के बंदे निकाल दें, इसके काफ लीग के कुछ बंदे निकाल दें, जो फवाद चौधरी हैं वो भी तो 2013 में इलेक्शन जो लड़ा है वो काफ लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा था उन्होंने, तो अगर उनको निकाल दें तो फिर पीछे पीटीआई के कितने बंदे बचते हैं? बजाय कि आप इत्तेहादियों को किसी ने किसी तरीके से कुछ देखें, हमेशा बात होती है कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, फिर दिल से दिल की बात हो। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से इमरान खान साहब उस जो एक प्रॉपर नज़रिया था, एक प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से जो काबिल कदर सूरत हाल सी, उस पर अमल पैरा होने में किसी हद तक नाकाम नज़र आते हैं। और ये एक जो चोरी परवेले साहब का इंटरव्यू है, देखिए वो मंझे हुए सियासतदान है, वजादार सियासतदान है, सियासी बसीरत रखने वाले सियासतदान हैं, दानिशमंदाना फैसले करते हैं, और मेरे ख्याल में अभी तक वो किसी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं या नहीं पहुंचे हुए, लेकिन वो अपने जो सियासी शतरंज जो बिछी हुई है उस पर जो अपने प्यादे अपने मोहरे जो अप्लाई कर रहे हैं वो बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। और चांसेस अब बन गए हैं मेरे ख्याल में कि शायद इमरान खान साहब जो हैं चंद दिन के वजीर आजम रह गए हैं। हामिद मीर साहब जो है उनकी इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है, हम इसकी कदर करते हैं, और माफी वासी वाले जो उन्होंने बात की है उसमें सदाकत भी है, और उसमें कुछ ना कुछ ज़ाहिर है उनका रबते बहुत हद तक स्ट्रांग है, बहुत हद तक बाहबस साफ़ी हैं। मैं सियासी मार्केट में जो खबर गर्म है वो यही है कि मेरे ख्याल में कुछ 10 से 12 MNAs हैं जो मेरे ख्याल में मुस्लिम नून के साथ अपने सीट एडजस्टमेंट आइंदा ये मेरे सियासी मार्केट में खबर है ना, जो खबर होती है वो गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। कुछ की जो है वो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में 5 MNAs हैं उनकी पीपल्स पार्टी के साथ भी जो है इसकी हो गई है सेटिंग हो गई है, कोई 2-4 हैं उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से जो उनके एरिया से हैं KPK से हैं उनके साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट जा रही है। तो देखिए बात यह है कि मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि जो सियासतदान होता है वो आइंदा आमदा जनरल इलेक्शन जो है उनको देखते हैं। अब देखें अगर इमरान खान साहब जो हैं अब अगर चले भी जाते हैं तो फिर भी उनको नुकसान है, अगर रहते हैं तो फिर भी नुकसान है। ये गलत बात है कि जी खान साहब अगर अब चले जाते हैं तो वो फिर बड़े खतरनाक हो, खतरनाक क्या होके आएंगे? देखिए जो एक गरीब आदमी है दो वक्त की रोटी कमाने वाला है उसको जब चीनी अब देखें जो घी की कीमत है फिर बढ़ गई है, 10 दिन बाद हफ्ता बाद 15 दिन बाद घी की कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं, घी की नहीं बेकरी आइटम्स कह लें उसमें चीनी कह लें दालें कह लें हाँ अशे खुरनो जितनी भी हैं ठीक है, तो गरीब आदमी जो है वो नहीं देख रहा है इस चीज़ों को, जो रेड़ी बान है जो मजदूर है जो मिस्त्री है जो रिक्शा चलाने वाला है जो चने बेचने वाला है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो जब इन चीज़ों को देखता है शेख और नोश का में इस कदर बढ़ोतरी हो रही है इस कदर महंगाई में इजाफा हो रहा है तो फिर खान साहब बाहर चले जाएं कल चले जाएं एक ही बात है। और मेरे ख्याल में जब अगर मुस्तकबिल की अगर आप समझ लें कि साफबंदी जो सियासी साफबंदी है उसमें चोरी परवेज साहब ने भी एक बात की कि पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का या इसमें साथ मौलाना फजल रहमान इनका इतिहाद देर पा है, और अगर इतिहाद देर पा है जो अगर देर पा नहीं भी है ये जो असम्बलियाँ इनकी मुद्दत पूरी करने के हवाले तक ये संजीदा नोयत का इतिहाद है मजबूत है और पुरमाद है तो मैं कह सकता हूँ कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन उसमें माइट भी पॉसिबल ये चांसेस अब ज़्यादा बढ़ गए हैं कि खान साहब जो हैं उनका किरदार माइनस इमरान फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, उनका किरदार नज़र नहीं आ रहा। अच्छा बड़ाई साहब एक तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है उनको मुसलसल नोटिस जारी कर रहा है कि आप इस तरह जलसे ना करें
आप स्टेक होल्डर हैं, आप इस तरह आवाम में ना जाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी इलेक्शन कमीशन के जो तमाम तर नोटिस हैं उनको खातर में नहीं लाते, आज भी वो आफजाबाद में जलसा करने पहुंचे। तो आप ये नहीं समझते कि एक तरफ कहते हैं कि नहीं, आज तो चाहिए, वो सवाल जा रहे एक हैं। तरफ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला सिलसिला चल रहा है। देखिए अब शुरू से देख लें, ये तो हमें माजी में जाना पड़ेगा, 3 साल पहले जाना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन का जो गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस देख लें, तो उसमें मेरे ख्याल में 74 तकरीबन जो है वो सुनवाई, केसेस की सुनवाई हुई है, तो उसमें 35 मरतबा या 34 मरतबा तो उन्होंने इल्तवा ले लिया कि उसको उसको पेंडिंग में ले गए हैं जो तहरीक इंसाफ वाले खुद, ठीक है। और अब कानून की हुक्मरानी हो या सिविलियन बालादस्ती हो, तो ये सिर्फ फर्जी नारे दावे वादे हैं, पर मेरे ख्याल में इमरान खान की हुकूमत में इनके इनसे हवा निकल चुकी है, नारों दावों वादों से, ठीक है। रजाक दाऊद ने खुद जो है ECC की जो कमेटी थी उसमें कहा जी बिल्कुल जी हमें चीनी जो है वो शार्टेज है, चीनी ज़्यादा है, इसको एक्सपोर्ट करें जी, ठीक है जी। तो जो एक्सपोर्ट वो कागजी कार्रवाई में की गई, ठीक है, जब एक्सपोर्ट की गई तो जना सब्सिडी दी गई, सब्सिडी देने के साथ ही उसकी जो है मार्केट में शार्टेज हो गई, शार्टेज होने के साथ ही उसकी कीमत बढ़ गई, जब कीमत बढ़ गई तो ये खुद फरमाते हैं जो माफिया के सरगना है या हुकूमती जो जुमा है कि जी 1 रुपया कीमत बढ़ने से 1 अरब जो है वो शुगर मालकान को फ़ायदा होता है। तो देखें कितनी कीमत बढ़ी थी उसमें, 3 मरतबा जो है वो गंदम का बहरान आ चुका है, ठीक है। कानून की बालादस्ती तो उस वक्त होती है जब आप खुद उस पर अमल पे रहा हो, ठीक है। अब देखें ना, अगर इस्लाम को देखें कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिन्हें सानी उमर भी कहा जाता है, उमर सानी कहा जाता है, वो अभी खलफ लेकर मेरे ख्याल में मस्जिद से घर नहीं आए थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो गया था। तो जब आप अपने ऊपर इसको नाफिज करते हैं तो फिर बात होती है कानून की बालादस्ती की। अब सारे लोग ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो खुद ईमानदार हैं, लेकिन जब आपके आजू बाजू में, जब आपके दाएं बाएं, जब आपकी काबीना में ऐसे लोग बैठे हों जो कि माफिया के सरगना हों, जिनकी जड़ें जो हैं वो माफिया तक पहुँचती हों, जो कि बेनिफिशरीज हों इस सिस्टम के, ठीक है, जो कि स्टेटस को का हिस्सा हूँ अभी भी हैं और रहें बाद में भी, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, फिर मैं नहीं समझता कि जो उनका हेड है, जो उनका सरबरा बना बैठा है, वो कानून की बालादस्ती कहता है या कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। अब गैर मुल्की फंडिंग केस जो है, जिस इलेक्शन कमीशन ने कहा है, वो उसमें अकबर एस बाबर जो है जो कि पार्टी के फाउंडर मेम्बर हैं, उनके साथ इनका तनाज़ा जो है वो तो एक लंबी बहस होगी, दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, तो उसमें तो मेरे ख्याल में इनकी पोजीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफी हद तक कमजोर है, ठीक है। सुराज साहब मुझे ये बताएंगे हाकिम जी ने दाखिला शेख रशीद साहब जो है और एक दो मजीद वफाकी वज़रा जो है वो किताबों के बारे में बयान देते हैं, काफी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के सामने आते हैं कि जी इतादी हमारे हुकूमत का हिस्सा है, हम उनके साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आप ये भी समझते हैं ये एक स्ट्रेटेजी है कि एक तरह से इतादी पर अगला लगाओ, दूसरी तरफ से ऐसे बयान दे कि मामलात को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की जाए और ऐसे ही चलता रहे, काफ लीग जो है उसको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए, वोट भी हासिल कर लिया जाए, जो कि प्याला भी ना दी जाए। तो आप ये नहीं समझते कि एक सारा कुछ प्लेन है और एक स्किप के तहत चलो चला है। देखिए जिन मसूफ का अपने नाम लिया इमरान अपना शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब का आज बयान था कि जो नस्ली और खानदानी वही है जो इमरान खान के साथ खड़ा है, तो अगर नस्ली और खानदानी देखा जाए तो मेरे ख्याल में किसी हद तक शेख रशीद साहब तो नहीं है, क्योंकि ये खुद मियां नवाज शरीफ साहब के जो है वो घुटने में बैठ गए थे कि मुझे टिकट दिया जाए, ठीक है जी। जब टिकट उधर से ना मिला तो फिर उन्होंने अलहदा से पार्टी बना के तो उसका ऐलान कर दिया। अगर माजी में चले जाएं तो वो खुद इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तांगा पार्टी कहते थे, ठीक है। ये सारी सियासत जो है वो मफादात की जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात है, ये मफादात की सियासत है। अब मफादात हैं ये नहीं, ये तो कमल अली आगा को उसी दिन बयान आ गया था कि हमें ब्लैकमेल कह रहे हैं या हमें ब्लैकमेल कहते हैं, तो जो एक पार्टी पर ही वजीर दाखला बना बैठा है वो क्या इमाम मस्जिद लगा हुआ है या उसका हक है, ठीक है जी। तो अब ये मेरे ख्याल में इमरान खान की बेड़ियों पर जो है वो शेख रशीद ही बैठे हैं। देखें कुछ सूरत हाल इस तरह की होती है, कुछ वक्त की नज़ाकत होती है कि उस वक्त आपको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जबकि आपके सर पर तरीके अदम एतमाद की तलवार लटक रही हो और आपके जो मुहालफीन हैं, जो आपके हरीफ हैं, उन्होंने बंदोबस्त मुकम्मल तौर पर किया गया हो और सरपरस्त भी आपके साथ ना हो, तो उस वक्त कम अज़ कम आपको जो इत्तेहादी हैं उनके साथ एक अच्छा रवैया रखना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ
वजारत आला पर ही उन्हें मुतफिक करें, वजारत आला से कम पर भी डील हो सकती है, लेकिन हुकूमत के पास काफ़ी कुछ होता है। हुकूमत जो है किसी न किसी वाले से उनके दो मजीद वजीर शामिल कर लें अपनी काबीना में, उनको सूबाई सतह पर वजीर बना दें, दो बंदे उनके उधर शामिल कर लें, किस तरह कुछ ना कुछ अगर साथ मिलने से हो जाता है। लेकिन असद उमर साहब ने भी जो है वो एक गैर संजीदा, और शेख रशीद साहब जो है वो मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात आपस से बाहर हो जाते हैं, और ये सिर्फ होती है एक वक्ती तौर पर हासिल कर दिया। गर्दिश कर रहा है, अगर आपने देखा हो तो वो कह रहे हैं कि जी आप भी हमेशा से मुश्किल वक्त में इम्तिहान में नजर आए, अभी तक बयान की तस्दीक नहीं हो सकी ना, तो मीडिया में ये गर्दिश कर रहा है। उन्होंने तो ये मेरे ख्याल में ये भी बयान दिया है कि अगर नून लीग आपको वजीर आला बनाती है तो बना दे, हम बेशक आप चले जाएं, हम नहीं बनाएंगे। और मेरे ख्याल में अगर जो इस तरह की सूरत बन गई है, माइट पहले तो सूरत इस तरह की, जिस तरह मैंने कहा कि चौधरी बरादरान वजादार सियासतदान है, और उनकी ये कोशिश थी कि असम्बली भी मुद्दत पूरी करे और हुकूमत भी को भी कुछ ना छेड़ा जाए, हुकूमत भी इमरान खान की छतरी तले काबीना जो बनी हुई है यही एक सिस्टम के साथ आगे चले। लेकिन जो बयानबाजी अब शुरू हो गई है, इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गया, इसमें सबसे एक अहम बात यह है कि जो हमारी पीटीए की हुकूमत है, इसके जो वज़रा हैं, हुकूमती ज़ुमा हैं, ये इंतहाई आला किस्म की गैर पार्लिमानी गैर संजीदगी के साथ बयानबाजी करते हैं, और वक्त और हालात के मुताबिक ना बेहतर बयानबाजी करते हैं ना ही उसके टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई फैसला जो है वो संजीदा नोयत के लेते हैं। अब देखना शामूद कुरैशी साहब का बयान था कि अभी जब फासले बढ़ जाएँ, खलीज बढ़ जाए, तो फिर जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ये नहीं, ये एक संजीदा नोयत का अच्छा बयान था। अब परवेज खटक साहब जिस तरह का बयान दे रहे हैं, परवेज खटक साहब का मेरे ख्याल में ये बिलो द बेल्ट किसी हद तक कह सकती हैं, उन्होंने किस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था अभी। अच्छा बड़ाई साहब, जो पार्लियामेंट के बाहर की अगर आप डिस्कशन करें, इतिहासी बात करें, तो अगर पीडीएम का लॉन्ग मार्च 25 मार्च को बोलता है इस्लामाबाद के अंदर, और वो 27 मार्च को ब्राह्मण साहब वहाँ पे जलसा करेंगे, तो आप नहीं समझते कि जो 25 मार्च का लॉन्ग मार्च वहाँ पे अपोजिशन के बहरहाल देखें जी, अभी तो जो सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल है कि हुकूमत का भी यही एक ख्याल है, यही उनका मतमा नजर है कि 23 मार्च गुजरा है खारजा की जो OIC के प्लेटफॉर्म से मीटिंग होगी, वो कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, वो खीर अफियत ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम उसका तहरीक में तो वहाँ से निपटेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो है वो लेट नाइट यही बयान सामने आया कि 25 मार्च को जो है कारकनान वहाँ पहुँचे। सियासी तसादम, सियासी महाज रही, सियासी नूरा कुश्ती, सियासी हंगामा रही, इस हुकूमत के वक्त में, इस हुकूमत के टेन्योर में हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, हर गुजरते हुए दिन के साथ इन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, और इसका सबसे अहम बुनियादी जो कसूरवार जिसको हम कह सकते हैं वो हुकूमत है। हुकूमत को इस हवाले से कलीदी किरदार अदा करना चाहिए कि अगर अपोजिशन जलसे करती है, अपोजिशन जलसे करना, जुलूस करना, एहतजाज की सियासत करना उसका हक है, लेकिन हुकूमत नहीं है तो इसमें तसादम बन सकता है किसी न किसी हद तक। देखें, और उन्होंने आज वो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब आसफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, और दोनों हजरात को भी ये दावत देंगे कि आप भी अपने काफिला के साथ हमारे मुश्तरका जो है PDM में का प्लेटफॉर्म से जो है वो हम एहतजाज करें, मार्च करें। तो मार्च जो है वो तवील भी हो सकता है, और फिर जाहिर है हर गुजरते हुए दिन के साथ जो मार्च है उसकी जो सूरत हाल है वो लम्हा तब्दील भी होगी, और टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला भी करेंगे। देखें, अश्चर नवाज बात करता है गरीब आदमी की, गरीब आदमी का जो दिमाग है, गरीब आदमी की सोच है, वही अश्चर नवाज की बातों की अकासी होती है। गरीब आदमी अब इस बात पर जो है किसी हद तक मुतफिक हो चुका है कि अगर हुकूमत चली जाए तो वो बेहतर है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के तिलों में तेल नहीं है कि वो गरीब आदमी को रिलीफ दे सके। बात एक हुकूमत का मेवर जो है वो हमेशा गरीब आदमी होना चाहिए, गरीब आदमी के मसाइल होने चाहिए, गरीब आदमी को
रिलीफ किस तरह देना है वो मैयस होनी चाहिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत के पास ना तो स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, पॉलिसी साजी का फुकदान है, मफकूद मनसूबाबंदी है। मनसूबाबंदी आपने देख ली है कि इत्तेहादियों के साथ जो है उनको राम भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है वो लफ्जी गोलाबारी भी की जा रही है। जब ये सूरत हाल होगी, अब देख लें जिस तरह आपने अभी हवाला दिया कि 25 मार्च को वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों हजरात, दोनों यानी कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो है एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, धरना भी देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में सूरत हाल इमरान खान साहब मेरे ख्याल में तो नहीं चाहेंगे कि हम अपना जो एहतजाज है उसको महदूद करें, हम एहतजाज ना करें, हम जलसे की कॉल ना दें। 10 लाख लोग वो इकट्ठे करने का उन्होंने एक शोशा भी छोड़ दिया है, तो मेरे ख्याल में तो अब सूरत हाल जो है किसी न किसी हद तक उस तरफ संगीन जा रही है। और जहां आपने कहा कि तजिया देखिए हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, गुजरते दिन के साथ बदल रहा है, और मेरे ख्याल में ये जो तजिया है ये ताज़ा तरीन तजिया यही कह रहा है कि हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत के सूरत हाल मेरे ख्याल में समझ लें इस तरह के डावाडोल जिस तरह एक कश्ती बीच मझदार फंसी होती है, यही सूरत हाल है। और हालात वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। जी बड़ाई साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब तो अग्रेसिव मूड में है ही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो इंकशाफ, ये जो एक इल्ज़ामात की बारिश की जा रही है कि ये तरीके अदम एतमाद के पीछे अमरीका किरदार अदा कर रहा है, मगरबी ताकतें हैं वो इनको पैसे दे रही हैं, ये चाबी के खिलौने बने हुए हैं अपोजिशन वाले, इसमें कितनी सदाकत है ये क्या ये संजीदा इल्ज़ामात देख रहे हैं आप? देखिए जी, कोई फिलहाल तो सदाकत नज़र नहीं आती, ये तो बस इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम ही है। अब मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, अब उन्होंने बबांगे दुखल कह दिया कि जी हम रशिया के साथ हैं। अब सूरत हाल अगर रशिया यूक्रेन की जंग के हवाले से देखें तो उस वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, ईरान, तुर्की, लीबिया, जो कि शाम भी उसमें कह लें, सीरिया भी था, जो कि रूस के मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा करीब है, उन्होंने भी उस वक्त बयानबाजी से गुरेज किया, रशिया का जो टूर है वो करने से गुरेज किया और हमारे खान साहब उधर जा बैठे। बिल्कुल, अब ये एक मुसलमा हकीकत है कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन के शिकंजे में IMF के जरिए, FATF के जरिए हमारी गर्दन फंसी हुई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो उनको हम नाराज करके हम नहीं कर सकते, आगे फ्लो नहीं कर सकते, हम फ्लोरिश नहीं हो सकते, हम मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकते, ये एक क्रिस्टल क्लियर फैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अब रशिया कैंप में ठीक है आप जाए, लेकिन किसी हद तक किसी लिहाज से, ताकि आप पर किसी किस्म की जो है वो माशी पाबंदियां भी असरअंदाज ना हो। अब देखें ना उसकी रशिया की रिसेंटली जो सूरत हाल है, उन्होंने मफलूज करके रख दिया, उसको इतनी पाबंदियां लगाई है। बिल्कुल ठीक है, तो उस हवाले से ये मेरे ख्याल में खान साहब को ये सोचना चाहिए था, यूरोपियन यूनियन को आंखें निकाल दी। उस वक्त किधर थे जब फ्रांस का वजीर निकालना था, उस वक्त यही वजीर दाखला शेर शीर कह रहा था नहीं जी नहीं, वो हालात बड़े खराब हो जाएंगे, यूरोपियन यूनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी, तो वो तो नमूस रसालत का मामला था। नमूस रसालत पे खान साहब तो फलाही रियासत का, मदीना की रियासत का नाम लेते हैं। रवि भी कह रहे हैं कि इस्लामिक फोबिया पे जो है हमारी बड़ी जीत हुई है, ये हमारा 15 मार्च को जो है उन्होंने जनरल असेंबली में जो है इसको उन्होंने कर दिया कि एक्सेप्ट कर लिया, और 15 मार्च को जो है इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। तो ये उस वक्त मेरे ख्याल में खान साहब को जो है वो वजीर के, फ्रांस के वजीर के मामला पर स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि जरूरी था, जो कि काबिल कदर चीज थी, जिसके बगैर मुसलमानों का जो है वो वजूद कायम नहीं रहता, नहीं रह सकता। ठीक है, अच्छा बड़ाई साहब, तो मेरे ख्याल में ये बस नाम नहाद इल्जाम बरा इल्जाम है। इसमें खान साहब को देखे ना, बात ये होती है कि वही सियासतदान बेहतर होता है, जिस तरह कहते हैं ना कि यार्कर उस वक्त मारा जाए जब यार्कर की जरूरत हो, यार्कर फुल टॉस ना हो जाए, और उस वक्त बॉलर को उसका फायदा भी होता है। तो सियासतदान में या एक हुकूमत का जो सरबराह होता है उसको भी उसी वक्त खारजा पॉलिसी को, सारी सूरत हाल को, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला करना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से फायदा मंद हो, सूद मंद हो। हाँ साहब उधर से अपना टूर काट कर आए हैं, इधर से उन्होंने जनाब 6 करोड़ जो डॉलर हमारे थे उन्होंने वो मुंजमद कर दी है। बिल्कुल ठीक है, नेशनल बैंक का पाकिस्तान के, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है कि यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, पूरे वेस्ट को नाराज करके रशिया कैंप में चला जाए, और रशिया से हमें फिर उस लिहाज से बेनिफिट भी हासिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि गुलामी करें, ठीक है, ये आप उनका जो बयान है हम उसकी कदर करते हैं कि जी हम गुलाम नहीं है, गुलाम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मौजूदा सियासतदानों की सूरत देखी जाए या हमारा माजी देखा जाए, तो जितने भी हुक्मरान थे
उन्होंने यही किया है कि वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं, उन्होंने अमेरिकी कैंप को ही, वेस्ट कैंप को जो है वो इंतहाब किया है, बबांगे दुहल किया है या अंदरून खाना किया है, ये कलैदा बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई साहब, हम अदम एतमाद की बात की एक सूरत हाल और एक जो स्केच खींचते हैं कि खुदा ना खास्ता अदम एतमाद कामयाबी ना कामयाब, चलो बात की बात है, अगर कामयाब हो जाती है तो क्या सिनेरियो देखते हैं आपके जो इसके बाद सियासी मार्केट में मैं सवाल मुकम्मल कर लूं फिर जवाब दीजिए, क्योंकि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद अपोजिशन के पास ऐसा क्या फार्मूला है कि वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में ले आएंगे? देखिए अपोजिशन के पास तो अभी वादा फरदा है, आने वाला कल है कि आप हमारे साथ चलें, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। ज्यादा जो सूरत हाल है जिस तरह की सियासी मार्केट में खबर गर्म है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, वजीर अला जो है वो परवेज लाई हो सकते हैं, या उसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो स्पीकरशिप की तरफ चली जाएगी, सेनेट की चेयरमैनशिप जो है उसको जो है वो बांट लिया जाएगा, मौलाना फजल रहमान को भी साझ। देखिए इकतदार की बंदर बांट जो है वो आज से कानून नाफज नहीं है, ये रोजे अव्वल से जो है ये कानून नाफिज है हमारे सियासतदानों में, हमारे जागीरदारों में, वडेरों में, या जो लोग सियासत करते हैं या ईवाने इकतदार में जो रहने वाले हैं, जो उसके मकीन हैं, उनके में ये रूल ये कानून जो है वो नाफिज है। तो अभी भी इस तरह इकतदार की बंदर बांट होगी। देखिये जो माशी सूरत हाल है उसमें एक बात तो ठीक है कि IMF की तरफ से पाबंदियां लगाई गई, IMF की तरफ से रिसेंटली जो पार्लियामेंट में कानून साजी भी हुई वो भी धमके की चोट पर, जिस तरह कहते हैं कि धक्के के साथ बजोर कुवत PTI हुकूमत ने कर ली, ठीक है, लेकिन किसी न किसी हद तक इनकी गैर संजीदा पॉलिसियां भी शामिल हैं, गैर मुबहम पॉलिसियां भी शामिल हैं, मफकूद मनसूबाबंदी पर मबनी पॉलिसियां भी शामिल हैं, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा अगर ये सेटअप बनता है तो मैं डेफिनेटली जो उनके पास अब देख लें मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत आ जाती है बाद में, अगर हम मफरूजा फर्द कर लेते हैं तो उनके पास मेरे ख्याल में माशी जो माहरीन हैं वो इनसे तो बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मांगे तांगे की PTI हुकूमत भी माशी माहरीन से गुजारा करती है, हफीज पाशा को देख लें, चार वजीरे खजाना जो उन्होंने चेंज किए, अब असद उमर साहब जो है बड़े बबांगे दुहल जनाब बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हम IMF के पास जाएंगे नहीं, हमारी जूती जाती है IMF के पास, हम IMF जो है उसको खैर बंद कर दिया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF जाऊं जी, ये तो बहुत ही मशहूर उनका जो है ना एक फिक्र है। तो अब उस वक्त ये लेट हो गए, IMF का उन्होंने प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक कर दिया, तो उसका खमियाजा जो है वो आज तक ये भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे अगर यूरोपीय यूनियन की आपने बात की, अमेरिका की बात की, इस वक्त हमारा जो चाइना के साथ CPEC चल रहा है, तो CPEC एक बिल्कुल उसमें आप देख सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार हो चुका है, तो चाइनीज की आदत जो है वो क्या सोच रही है, क्या वो इमरान खान साहब से मुतमईन नहीं है, वो इस सेटअप से मुतमईन नहीं है, क्या आप देख रहे हैं चाइना की क़यादत को? देखिए जी एक क्रिस्टल क्लियर जो फैक्ट है, चाइनीज हुकूमत मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के साथ उस हवाले से सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी बाहद बुनियादी वजह जो है वो जो रोल उसको CPEC था उसको रोल बैक किया गया, ठीक है, वो CPEC पर जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है, और इसमें मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि हुकूमत की मंशा मर्जी ये थी कि हम CPEC को रोल बैक कर दें, CPEC को हम उस तरह दमखम के साथ ना लेकर चलें, लेकिन ये उनकी पॉलिसी थी जो मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज से उसको नहीं फुलफिल कर सके। चाइनीज जो हैं वो उन चाइनीज की एक अपनी इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट होती है हर मुल्क की, उनकी एक जियोग्राफिकल जो स्टेज सूरत हाल है पूरे खत्ते के देखा जाए तो उसमें चाइनीज और पाकिस्तान की अपनी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करता है या इल्हाक उसका है या CPEC वो आगे लेकर जा रहा है तो उसकी जो है ना उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो ज़्यादा चाइना को भी है, ठीक है, और जाहिर है तीसरी बात यह भी है कि वेस्ट की जो है वो नजरें इस पर इस प्रोग्राम पर भी हैं कि इसको रोल बैक किया जाए, इसको सुस्त रवि का शिकार बनाया जाए, और उसके साथ फिर तीसरी चौथी चीज जो है वो दहशतगर्दी की भी आ जाती है, जिस तरह की एक नई लहर उठ गई या हाल ही में पिशावर में जो है बहुत कुछ धमाका हुआ है, क्वेटा में जो है वो धमाका हुआ है, यानी कि TTP जो है वो दोबारा सर उठा रही है, उसके साथ साथ दहशत जो है वो सर उठा रही है, तो ये सारे मामला जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। असल में बात यह है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो किसी ना किसी हद तक अप टू द मार्क नहीं रही, नहीं रही, उसमें कहीं ना कहीं सुकम मौजूद है, तो अब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के लक्के लेने पर तुली हुई है, अपोजिशन के साथ जो है महाजराई हंगामा राई की सूरत हाल बनी हुई है, तो अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को कहाँ या वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को कहाँ फुर्सत होगी कि वो एक अच्छी प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो एक खारजा पॉलिसी को जो है वो मजबूत मरबूत अंदाज से
तश्कील दें और उस पर अमल पैरा भी हों। ये गवर्नमेंट जो है सबसे जो दावे कर रही है उनमें से सबसे बड़ा दावा यही कर रही है कि हमने देखें जी खारजा पॉलिसी आज़ाद कर दी है, हम न्यूट्रल हो चुके हैं और दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती है। इन दावों में कुछ सच्चाई देखते हैं आप? मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो नहीं सच्चाई देखी जा सकती, ना है सच्चाई। अभी तो जो सूरत हाल है, अगर अब अभी हाल ही में मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो एक बहुत जरहाना एग्रेसिव स्टांस लिया था 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के ऊपर 370 आर्टिकल 35 ए को जो है वो सस्पेंड किया गया था, तो उसकी रेस्टोरेशन के लिए आप पूरी दुनिया से मजम्मती करारदाद नहीं लेके आ सके, ठीक है। सिर्फ कप्तान के ललकार जनरल असेंबली में उसके बाद खान साहब ने क्या किया? खान साहब तो चाहिए था कि 6 महीने दौरे पर रहते। मोदी के खिलाफ जो है वो एक बजोरे कुवत कह लें या जैसे भी होता एक मजबूत कंपेन लॉन्च करते, जिसमें जो है उनकी जितनी भी एट्रोसिटीज थी, जितनी भी जो है वो फाकियत थी, जितना भी जुल्म जबर था उसको हाईलाइट किया जाता और पूरी कौम मुत्तहिदा को कह लें या उसके अलावा पूरी दुनिया को जितने भी वेस्ट है अमेरिका है उनको इस बात पर कायल किया जाता कि वो उसकी मजम्मत करते और जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35 ए है उसको रेस्टोर किया जाता, उसकी आईनी हैसियत को बहाल किया जाता। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में वो तो ये भी नहीं कर सके। तो वो खारजा पॉलिसी जो है उसमें सुकम तो मौजूद है लेकिन खारजा पॉलिसी को बेहतर अंदाज से जो है वो नहीं तश्कील नहीं दिया गया, अगर दिया गया है तो उस पर अमल पैरा नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। नाज़रीन आखिर में यही कहना चाहेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है उसको परवान चढ़ना चाहिए, हुकूमतें आनी और जानी चाहिए आइनी तरीके से कानूनी तरीके से, मगर जमहूरियत डिरेल नहीं होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।